आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। केंद्र सरकार के गेहूं निर्यात पर पूरी तरह प्रतिबंध के फैसले के बाद किसानों ने इस अनाज को स्टोरेज करना शुरू कर दिया है। निर्यात पर प्रतिबंध लगते ही गेहूं के दाम खुले बाजार में एकाएक 100 रुपए तक बढ़ गए हैं। जो गेहूं 2100 रुपए प्रति क्विंटल में खरीदा जा रहा था, वह अब 2200 रुपए प्रति क्विंटल में खरीदा जा रहा है। गेहूं के दाम बढ़ने से किसानों के चेहरों पर रौनक लौट आई है। इस साल के लिए केंद्र सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपए प्रति क्विंटल तय किया। वहीं बुंदेलखंड के हमीरपुर जिले में इस बार वे किसान खुश हैं जिन्होंने गेहूं का उत्पादन किया था। इस बार कम पैदावार के चलते खुले बाजार में गेहूं 2100 रुपए में बिक रहा है, लेकिन जब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने गेहूं निर्यात पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया तो यहाँ के बाजारों में रेट एकाएक बढ़ गए और गेहूं 2200 रुपए में बिकने लगा। गेहूं के रेट बढ़ने से किसानों ने सरकारी गेहूं खरीद केंद्रों से दूरी बना ली और वह बाजार में गेहूं बेचकर नगद पैसा लेकर अपनी जरूरत पूरी कर रहे हैं। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय सचिव की माने तो सरकार ने गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगाकर अच्छा किया है, वरना आने वाले दिनों में देश में खाद्यान्न संकट खड़ा हो सकता था। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते वैसे ही गेहूं की वैश्विक किल्लत हो गई है। 40% तक गेहूं इन देशों से निर्यात होता था। भारत से भी गेहूं निर्यात किया जाता था, लेकिन इस साल पैदावार कम हुई है। किसानों ने तिलहन उत्पादन पर अधिक जोर दिया है, जिसका असर उत्पादन पर पड़ा है। वहीं ये पहला मौका है जब किस सीजन में गेहूं सरकारी दर से ऊपर के रेट पर बाजार में बिक रहा है। आने वाले दिनों में गेहूं के भाव 3000 के ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि कम पैदावार देखकर किसानों को पहले से उम्मीद थी कि गेहूं के दाम बढ़ेंगे, जिसके चलते उन्होंने गेहूं को अपने घरों में ही रोक लिया है। वह बाजार में सिर्फ उतनी ही पैदावार लेकर जा रहे हैं जितनी पैसों में उनके घर परिवार के जरूरी काम पूरा हो सके। वहीं किसान नेता कि माने तो गेहूं की कम पैदावार हुई है। किसानों ने अपने खाने के हिसाब से गेहूं बोया था। किसानों ने इस बार दलहनी और तिलहनी फसलों की तरफ भी रुख किया था, जिससे बाजार में गेहूं कम आ रहा है और जो आ रहा है उसे उसके मुंह मांगे रेट उन्हें मिल रहे हैं। वहीं स्थानीय किसान की माने तो क्षेत्र में किसानों ने गेहूं कम बोया था और पैदावार भी कम हुई, लेकिन यहां बड़ी बड़ी बाहरी आटा मिलों ने अपने गेहूं खरीद सेंटर बना लिए हैं, जो 100 क्विंटल गेहूं प्रति घंटा बाजार के रेट पर खरीद रहे हैं। ऐसे में किसान उनको खुशी खुशी गेहूं बेचकर नगद पैसे लेकर अपने घर चले जाते हैं। यहां एक कस्बे प्रतिदिन 70 से 80 क्विंटल आटा बिक जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।